नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह, TNT टॉप 5 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। MS धोनी, जो कि वेस्ट इंडीज दौरे में नहीं गए हैं, अब वो हमको कश्मीर में पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हां, कल से उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, अब उनको उनकी ड्यूटी बता दी गई है। उनके ऐसा नहीं है कि वो MS धोनी है तो उनके कोई रियाज बढ़ती जाएगी। उनको कहा गया है कि आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, नाइट को भी पेट्रोलिंग करनी पड़ सकती है। और इसको लेके MS धोनी बहुत ही खुश है। उन्होंने BCCI को खुद ही चिट्ठी लिखी थी कि वो वेस्ट इंडीज दौरे में नहीं जाना चाहते हो, उनको आर्मी की ट्रेनिंग चाहिए। आइए बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर, जैसा कि हमको पता है, इंडिया और पाकिस्तान के जो संबंध है वो भी इतने अच्छे नहीं है, फिर भी इसके चलते पाकिस्तान क्रिकेटर के तेज जो बॉलर हैं आसिम अली ने इंडिया की हरियाणा की शामी आरजू से शादी करने का फैसला किया है और ये शादी दुबई में की जाएगी। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के वैसे रिश्ते मजबूत नहीं हो, लेकिन ये जो रिश्ता है, जैसे इससे पहले भी सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान क्रिकेटर से शादी की थी। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी हम सबको पता है कि उन्नाव रेप पीड़िता का अभी एक्सीडेंट हुआ था, जिसको ये हादसा नहीं बताया गया है, ये एक साजिश बताई गई है, इसलिए ये केस अब CBI को सौंप दिया गया है। इसमें उनकी चाची की मृत्यु हो गई थी, जिनका कल अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और अभी जो रेप पीड़िता है उसकी हालत बहुत ही नाजुक बताई गई है, और जो उनके वकील थे उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। आइए बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। चौथी खबर हमारे आर्मी कैप्टन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अभी कल ही एक सदर बाजार के रेलवे ट्रैक पर आर्मी कैप्टन की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस कह रही है उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन उनके घर वाले कह रहे वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि जो वो इतना गहरा कदम उठाए, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं थी। अब हम बढ़ते हैं अपनी पांचवीं खबर की ओर। पांचवीं खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। जैसा कि हमको पता है कि दिल्ली सरकार आजकल तीर्थयात्री को फ्री में लेके जा रही हैं तीर्थयात्रा कराने के लिए, जो 60 से ऊपर है, जो 60 प्लस है। अब वो अपना दूसरा जत्था 5 अगस्त को लेके जा रही हैं, जिसमें वो अमृतसर और बाघा बॉर्डर लेके जाएंगे, और अमृतसर की पवित्र धरती में वो अमृतसर गुरुद्वारे के गोल्डन टेम्पल में उनके उन सबको दर्शन कराएंगे। तो इसको लेके काफ़ी लोग खुश हैं, काफ़ी जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत खुश हैं। तो ये थी हमारी आज की TNT टॉप 5 न्यूज़। मैं अमरजीत सिंह, मेरे को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रोज़ की रोज़ नई नई ताज़ी ताज़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ मिलती रहे। नमस्कार।